आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं नजफगढ़ रहती हूँ, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी नजफगढ़ थाने में, ये सराहनीय है। और मेरे ख्याल से अगर हर थाने में ये काम होने लगा तो मतलब हम सल्यूट कर सकते हैं। खाली हम लायक ही नहीं है बोलने के जो लोग इस काम को करने की काबिलियत रखते हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना काम वाम सब छोड़ के और गरीबों को खाना खिलाना, लोगों को समझाना, और मैंने जिस तरीके की सिचुएशन देखी है, जिस तरीके की प्रोग्रेस देखी है थाने में, बहुत सराहनीय। मुझे तो शुरू से ये बताया गया कि नारी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं होती। हमारी शक्ति, हम समझ रहे हैं, हमें समझा नहीं जा सकता। और काम करते करते मेरे ख्याल से मैं इनको आराम से नॉर्मल बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, कि इनके लिए नॉर्मल है। और ये बहुत खुश होंगी इस वक्त ये करके, क्योंकि जो अंदर खुशी मिलती है, जो ये काम करके अंदर खुशी मिलती है, वो आप समझ ही नहीं सकते। और कल मदर्स डे भी था, तो ये सब मेरी माएँ जैसी हैं, बहनें जैसी हैं, तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके तो कोई भी अपने आप को कुछ भी मान सकता है। अच्छा सपना जी, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि अभी बैलेंस बना के रखिए, घबराइए मत, आगे आगे सिचुएशन और बिगड़ेगी मुझे पता है, लेकिन उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, स्ट्रांग रहिए। और जहाँ लोगों की मदद करनी हो वह मदद कीजिए, जहाँ लोगों को समझाना हो वह समझाइए, और किसी को ट्रोल मत कीजिए, घर में रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी आप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनको फॉरवर्ड कीजिए जिन पे या तो ब्लू टिक मिला हुआ हो, जो वेरीफाइड अकाउंट हो, या जो आपको न्यूज़ चैनल वाले प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ कोई फेक न्यूज़ वायरल मत कीजिए, इससे किसी को क्या, बहुत लोगों